लक्ष्य, हम यहाँ हैं और आपकी लंबी उम्र के लिए आज हमने करवा चौथ का व्रत रखा है। हमारी तरफ देख तो लीजिए। संस्कार क्या हुआ? संस्कार? 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 यहाँ पर बैठो। संस्कार? अरे संस्कार, क्या हुआ थारे को? अरे आज के दिन मारे को चक्कर आए तो समझ में आता, थारे को चक्कर कैसे आ गया? मॉम, प्रदीप जी, आप तो डॉक्टर हैं, जरा देखिए ना संस्कार को क्या हुआ है। संस्कार सुबह से कुछ खाया नहीं ना? आप भी कुछ सीखिए अपने दामाद से, व्रत रखा है उसने। लक्ष्य, सच में संस्कार कितना प्यार करते हैं सोरा से। चलो चलो, सब लोग व्रत तोड़ो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, चलो। गुस्से से क्यों देख रही हो? देखो, I'm sorry. Sorry क्यों? व्रत रखा इसीलिए? नहीं, सबके सामने बेहोश होने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, और तुम्हें भी। पर मुझे चक्कर आ गए और सब गड़बड़ हो गई। पर तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी, मतलब? मतलब तुम? देखो सोरा, मैंने तुम्हें व्रत रखने से नहीं रोका, तुम भी मुझे नहीं रोकोगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इसका फैसला मैं खुद लूंगा। तुम मुझे नहीं बताओगी। अब जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। लक्ष्य, शांत वहां है और हम यहाँ, तो आप कब से किसे देख रहे? पहले तुम पियो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है।
देखना शिखर, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। एकदम जी, एकदम सही कहा आपने सर मिस्टर जी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जे छोरी हमेशा हमारी बहू बन के रहे और कभी हमारे से जुदा ना हो। बस बस चलो, सब लोग अंदर चलते हैं। चलो जी, चल। संस्कार। क्या हुआ लक? चल मुझे तुझसे बात करनी है। लकी मेरी बात सुन। ये सब तू क्या कर रहा है संस्कार? तूने मुझे कहा था ना कि तू सौरभ से प्यार नहीं करता। रागिनी का सच बाहर निकालने के लिए तूने सबके सामने झूठ बोला। फिर आज तूने ये व्रत क्यों रखा और साबित क्या करना चाहते हैं ये व्रत वगैरह रख के? तो पता नहीं सौरभ ने किस खुशी में तलाक के लिए मना कर दिया। ऊपर से तू ऐसी हरकतें कर मुझे और कंफ्यूज कर रहा है। देख संस्कार, तू जानता है ना मैं सौरभ से प्यार करता हूँ, उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता हूँ, तो फिर ये सब। देख संस्कार, साफ साफ बता चल क्या रहा है। देख क्या रहा है संस्कार, बोल ना। मुझे बोलने का मौका देगा तब मैं बोलूंगा ना। तेरी प्रॉब्लम क्या है लकी? पहले तू खुद उसे अपने आप से दूर करता है, फिर जब तुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे वापस पाने के लिए हर वो हद पार करता है कि सामने वाला परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। अगर वो वापस आना भी चाहे तो तेरी हरकतें देखकर वापस ना आ सके। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ईश्वरा क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, उसकी खुशी किस में? संस्कार ज्ञान मत दे, जो पूछा उसको साफ साफ बता। हाँ 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 मैं ईश्वरा से प्यार करता हूँ। मैंने तुझसे झूठ बोला, पर टेंट के बाहर नशे में मैंने जो भी कहा सच था। सच था। पर स्वरा से मुझे कोई उम्मीद नहीं, मैं उसके प्यार को हासिल नहीं करना चाहता। हाँ मुझे दुख होता है ये सोचकर कि स्वरा कभी मेरी नहीं हो पाएगी, ना ही वो मुझसे प्यार करेगी। लेकिन ये बात मैं उसे कभी जताना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह जैसे मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि मैंने व्रत रखा है। पर आज गलती से सबको पता चल गया और इस बात का मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। लकी, मैंने स्वरा को दुख देने के लिए उससे प्यार नहीं किया और ना ही मैं चाहता हूँ कि उसे मेरा दर्द दिखे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि हर प्यार की किस्मत में मंजिल तक पहुँचना नहीं लिखा होता, और इस बात से मैं समझौता कर चुका हूं। क्या हुआ संस्कार? आज सभी औरतों ने व्रत रखा है तो पहले खाना भी उन्हें ही खाना चाहिए, तो आज खाना हम खिलाएंगे। क्या हुआ? ठीक कह रहा है संस्कार, चलो मैं भी हेल्प करता हूं। चलो आओ बैठो।
संस्कार सौरभ से कितना प्यार करते, कितना केयरिंग नेचर है उनका। लक्ष्य, अगर आप अरे रुक जा मारी चतोरी, मैं देता हूँ थर को खाना, रुक जा। खाना लग गया है तो शुरू करें। बाहर लॉन में आओ अभी इसी वक्त। अगले 2 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो मैं वहां आकर रागिनी को बता दूंगा कि उसकी याददाश्त खो गई है और मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ और घर वालों से कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूँ। भाभी मेरा खाना हो गया, मैं कॉल करके आती हूँ, उसके बाद आकर आपको सब समेटने में मदद करती हूँ। बड़ी माँ मैं अभी आई। लक्ष्य, मुझे ऐसे बाहर बुलाने का क्या मतलब है तुम्हारा? साला तुम ये क्या कर रहे हो? पूरी फैमिली के सामने कहते हो कि तुम अपने संस्कार के रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक झूठ है। मैं तुम्हारे और संस्कार की बातें सुन चुका हूँ। इस फालतू सवाल मत पूछो। देखा मैंने कैसे संस्कार तुम्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए फोर्स कर रहा था और तुम उसे मना कर रही थी। इसका क्या मतलब है इस वक्त? क्या संस्कार तुमसे जबरदस्ती हाँ करवाना चाहता? लक्ष्य प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ पूछने वाले? हाँ तो मैं तुम्हें क्यों जवाब दूँ? स्वरम, मुझे मेरा जवाब तो तभी मिल गया था जब तुम संस्कार के प्यार को अपनाने से मना कर रही थी।
तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो ना, इसलिए तुम संस्कार को नहीं अपना पा रहे। शट अप लक्ष्य, थक चुकी हो इस बारे में बात कर करके। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। स्वरा, मेरी बात का जवाब दिए बिना तुम नहीं जा सकती। स्वरा, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो ना? मेरा हाथ छोड़। मेरा जवाब था, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। लक्ष्य, यू आर हर्टिंग हर, तकलीफ पहुंचा रहा है तू उसे, जाने दे। तू यहां क्या कर रहा है? एक संस्कार, ये मेरे और स्वरा के बीच की बात है, तेरी यहां कोई जरूरत नहीं, तू अंदर जा। जो भी बात करनी है आराम से कर, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। और तुझे अंदाजा भी है, अगर घर में से किसी ने भी हमें देख लिया तो कितना एम्बैरेसिंग होगा हमारे लिए। तू होता कौन है स्वरा को ऐसे ले जाने वाला, और तू कौन होता है तमाशा खड़ा करने वाला? मैं स्वरा का होने वाला पति था, और मैं स्वरा का पति हूं लक्ष्य। झूठे रिश्ते छोड़कर अपने आप को पति कहता है, भूल गया मेरी और स्वरा की शादी होने वाली थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस हक से मैं स्वरा से बात कर सकता हूँ। चुप हो जाओ, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर रागिनी ने देख लिया तो लक्ष्य, आप आज भी स्वरा से? रागिनी, किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने इसी सिचुएशन के लिए हमें वार्न किया था कि रागिनी को कोई शॉक नहीं देना है, पर रागिनी की खराब तबीयत की वजह से हमें ये सब नाटक सहना पड़ रहा है, वरना मेरा तो दिल जानता है कि मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। हर बार उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं फिर कौन सा नया धोखा देने वाली है। अन्नपूर्णा, इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़ों को उसके आगे सर झुकाना पड़ता है। देखना, जल्दी हम भी इस नाटक से मुक्ति पा जाएंगे। क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? रागिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम सबको धोखा कैसे दे सकती हो? वो भी उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी तबीयत के लिए ना चाहते हुए भी तुम्हारा साथ दिया है। स्वरा प्लीज, रागिनी से कुछ मत कहो। रागिनी तो बस हमें मिलाकर अपनी गलती सुधारना चाहती है। एक और गलती कर सबको फिर से धोखा देकर। लक्ष्य, तुम तो बोलो ही मत, तुम फिर से रागिनी का इसमें साथ दे रहे हो। अपने इंपल्सिव नेचर की वजह से तुम फिर से वही गलती दोहरा रहे हो। तो तुम दोनों को क्या लगता है ये सारी हरकतों की वजह से मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूंगी?
सुरा हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हम दोबारा गलती करते हैं, पर ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुरा, हम सच में चाहते हैं कि तुम और लक्ष्य एक ही बस ना। तुम जैसा चाहती हो वैसा कभी नहीं हो सकता। फिर से सबको धोखा देकर, सबसे झूठ बोलकर तुम प्रायश्चित नहीं कर सकती। ये सब गलत है रागिनी। रागिनी की बात गलत नहीं है, पर तुम्हारा तरीका गलत है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती रागिनी। संस्कार, तू तो ऐसे ज्ञान दे रहा है जैसे तूने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोला है लक्ष्मी, लेकिन ये तू भी जानता है कि मेरा झूठ ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। अगर तुम्हें झूठ से इतनी ही प्रॉब्लम है, मुझे अंदर सच क्यों नहीं पता नहीं? क्यों मुझे रोका? क्योंकि अगर तुम सच बता देती तो सबके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता। लक्ष्य पहले ही कह चुका था कि वो रागिनी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा है। अगर इनका झूठ सबके सामने आ जाता तो इन पर उंगलियां उठती, इन सबको जवाब देना पड़ता, सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती। तो प्लीज संस्कार, फालतू के बहाने मत दे। तूने स्वरा को सच बोलने से इसलिए मना किया क्योंकि तू भी चाहता स्वरा यही रहे। तेरी पत्नी बनकर ताकि तू उस पर अपना हक जताकर। लक्ष्य, तेरी सोच इतनी घटिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसे सोचता है। तेरी तरह जबरदस्ती रिश्ते जोड़ने का शौक नहीं है। संस्कार, मुझे कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर दे, जैसे तू जबरदस्ती उसे अपने हाँ में हाँ मिलवाता है। स्टॉप इट गाइस, बंद करो ये सब कुछ। दोनों झगड़ा मत करो प्लीज। और स्वरा, प्लीज प्लीज हमारी बात मान, लक्ष्य को एक मौका दे दो। नहीं, कब कब कब? क्यों स्वरा, क्यों नहीं? तुम रागिनी को एक मौका दे सकती हो, पर मुझे क्यों नहीं? स्वरा, एनीवेज मैं रागिनी को माफ कर सकता, पर मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और ये बात रागिनी बहुत अच्छी तरह जानती है। हाँ स्वरा, तुम दोनों को एक करके हमें बहुत सुकून मिलेगा। हो गया तुम दोनों का, जो बोलना था बोल दिया। अब सुनो, थक चुकी हूँ मैं तुम दोनों को समझा समझा के। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं तुम दोनों का झूठ मैं साथ नहीं दे सकती। मैं अभी अंदर जाके सबको सच बता रही हूँ। लेकिन स्वरा, संस्कार, मैं जानती हूँ कि इससे सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो मुझे मंजूर है। ठीक है स्वरा, जिसको जो बोलना है बोलो, पर उसके बाद तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। लक्ष्य, स्वरा मजाक नहीं कर रहा हूं। वहां तुमने बताया और यहां मैं अपनी जान दे रहा हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करें, क्योंकि अगर तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो ये जिंदगी भी नहीं रहेगी। क्या हो? जाओ, रुक क्यों गए? लक्ष्य, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू तो रहने ही दे संस्कार। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें से बता तू भी है। और मुझे अलग करने की शुरुआत तूने ही की थी। स्टॉप इट लक्ष्य, पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतनी पुरानी बात है तो भूल जाओ ना, माफ कर दो ना मुझे। क्यों नहीं कर सकती ना? नहीं दे सकते ना मुझे एक और मौका? तो जाओ ना, सबको सच बता दे। बता दो कि रागिनी अपनी यादाश्त खोने का नाटक कर रही है।
दक्ष, तुम मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अंदर जाऊंगी और सबको सच बताऊंगी। अब मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाली। सरला की झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो कुछ भी कर सकता है। जाओ स्वरा जाओ, पर याद रखना सच बताने के बाद तुम मेरी लाश ही देखो। जीजी मैं दाल बाटी चूरमा और जो पालक की सब्जी बना रही हूँ, और साथ में मीठे में क्या बना दूँ? वही खीर बना लो और क्या, है ना? क्या हुआ स्वरा, तुम तो रागिनी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, फिर क्या हुआ? नहीं गई तो रागिनी ठीक हो गई होगी ना जीजी। छोड़िए जी सब बातों को। अच्छा तुम दोनों जाओ, जाके नाश्ता करो। प्लीज स्वरा, नहीं। अगर स्वरा ने सबको सच बता दिया तो क्या हुआ? स्वरा तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डॉक्टर के पास जाना है या नहीं? बड़ी माँ, वो लक्ष्य खुद रागिनी को डॉक्टर के पास लेकर गया है, इसलिए हम लोग वापस आ गए। जाओ जाके नाश्ता तो कर लो स्वरा। नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है। तो संस्कार तू तो नाश्ता कर ले, तूने ना कुछ खाया सुबह से। करवा चौथ का व्रत तो पूरा हो गया जीजी, अब कौन सा नया व्रत शुरू किया दोनों ने? सुजाता की खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। लाख लाख शुक्र है कि स्वरा ने कुछ नहीं कहा। अब तो हमें भी पूरा विश्वास हो गया है कि स्वरा भी आपसे प्यार करती है, इसीलिए अंदर अंदर उसने कुछ भी नहीं कहा। आपकी जान देने वाली बात से शायद वो डर गई, इसीलिए अंदर सब कुछ झूठ बोल। अगर आपसे प्यार नहीं करती तो उसको आपकी इतनी परवाह नहीं होती। हमारे धोखे की वजह से शायद उसका प्यार कम हो गया था, पर अब आप देखिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वो उसे भी आपके प्यार का एहसास हो जाएगा और फिर आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा।